लिसनिंग एंड एप्टीट्यूड हब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल की न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर अरेंजमेंट पार्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके मेंस के एग्जाम में आपको प्री में भी दिखाई देगा, और मेंस में तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता ही है, लेकिन आजकल ये प्री में भी आने लगा है। दोस्तों, क्वेश्चन में पर्सन के साथ साथ आपको उनके प्रोफेशंस और बनाने हैं। टू वेरिएबल क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद क्वेश्चन ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यूअसली एंड तक देखें, डिफरेंस देखें आपकी अप्रोच में मेरी अप्रोच में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है, और उससे सीखिए। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा 8 पर्सन एबीसीडी एफजीएस सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। जैसे ही मैं ये पढ़ता हूं तो मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, 8 पोजीशंस बनाई, एंड दे आर ऑल फेसिंग सेंटर। और फेसिंग सेंटर है तो जो हमारा लेफ्ट है वही उनका लेफ्ट है, जो हमारा राइट है वही उनका राइट है। और एक पर्सन का लेफ्ट राइट पता चलने पर आप सबका मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेंशन ना करें। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ये आपको बताने के लिए कि लेफ्ट इधर मतलब क्लॉकवाइज और राइट उधर उधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट राइट को लेकर के आप गलती ना करें। ईच ऑफ देम बिलोंग्स अ डिफरेंट प्रोफेशन विच इज डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, शॉपकीपर, क्लर्क, टीचर, बैंकर एंड आर्किटेक्ट, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। हमें खाली यहाँ पे पोजिशन पे पर्सन को नहीं, हमें साथ में उनके प्रोफेशन भी बनाने हैं। तो टू वेरिएबल क्वेश्चन है। पहली कंडीशन है, कुछ बातें पर्सन के रिस्पेक्ट में होगी, कुछ उनके प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में होगी। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, तो दैट मीन्स मुझे पहले जो बनाना है वो है टीचर। सर्कुलर अरेंजमेंट में पहला पर्सन आप कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बनाया टीचर। और उसके राइट में उसका राइट इधर है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, वहां कौन बैठा है दोस्तों, ए बैठा है। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में लिखा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी हु इज अ शॉपकीपर एंड टीचर। देखिए यहाँ पे इस कंडीशन का मतलब पहले समझिए, वो ये कह रहा है बी जो शॉपकीपर है एंड अनदर पर्सन इज अ टीचर, देर इज ओनली वन पर्सन इन बिटवीन शॉपकीपर एंड टीचर। तो यहाँ पे हमारे पास इस अरेंजमेंट में जो अभी हम बना करके बैठे हैं टीचर है पर शॉपकीपर नहीं है, तो टीचर से एक पर्सन छोड़ करके शॉपकीपर इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। देर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट का एक ही बेसिक फंडा रूल होता है, जितनी पॉसिबिलिटी होती है आप उतने ही डायग्राम आप बना ले। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने इसकी कॉपी की, मैंने इस डायग्राम की कॉपी की, दो कॉपी इसलिए की क्योंकि दो पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी होती तीन तो मैं तीन कॉपी कर लेता। तो टीचर से एक पर्सन छोड़ के जो बी है शॉपकीपर है मैंने उधर बनाया है, टीचर से एक पर्सन छोड़ के बी जो शॉपकीपर है दूसरे डायग्राम में मैंने इधर बनाया। ऑब्वियसली दोनों डायग्राम में सेम पोजीशन पे तो नहीं बनाएंगे, दोनों डायग्राम आप पैरेलली चलाने वाले हैं, जो भी कंडीशन होगी दोनों में बनाते हुए चलेंगे। जिस डायग्राम के अंदर सारी कंडीशन फुलफिल होती हुई जाएंगी वही मेरे क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ शॉपकीपर, नाउ इज द शॉपकीपर मेरे पास ऑलरेडी है और उसके थर्ड राइट में आर्किटेक्ट बैठा, राइट इधर की तरफ है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहां मुझे आर्किटेक्ट बनाना है, बन भी रहा है, नहीं बन रहा होता तो मैं एलिमिनेट कर देता हूं। शॉपकीपर के थर्ड राइट में मुझे आर्किटेक्ट बनाना है, आर्किटेक्ट बन रहा है, फिर वही बात है, नहीं बन रहा होता तो मैं एलिमिनेट कर देता हूं। नेक्स्ट कंडीशन ओनली एस सिट इन बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। अब देखिए कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी जितनी जल्दी आप समझ पाए। अभी वो क्या कह रहा है, सिर्फ एच बैठा है आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में, तो एच तो सिर्फ बैठा है ठीक है, लेकिन आर्किटेक्ट किधर बैठा है, वो एच के राइट साइड बैठा है, लेफ्ट साइड बैठा है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब यानी मेरे पास देखिए एच होगा तो मैं वैसे वर्षा आर्किटेक्ट और इंजीनियर लेकर के चलूंगा, लेकिन मेरे पास एच नहीं, मेरे पास आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट से इंजीनियर इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। सेम इस डायग्राम में आर्किटेक्ट से इंजीनियर उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, बीच में एच बैठा जाएगा। तो दोस्तों यहां पे सिचुएशन ये अराइज हो रही है कि हमें हमें इसकी कॉपी करनी पड़ेगी। क्यों कर रहे हैं हम इसकी कॉपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं ये कंडीशन इस डायग्राम में बनाता हूं तो इसमें दो केस, उसकी भी कॉपी करनी पड़ेगी क्योंकि उस डायग्राम में मैं उस कंडीशन को बना रहा है तो उसमें भी दो केस अराइज हो रहे हैं। तो पहले मैं इसकी कॉपी यहां पे नीचे कर रहा हूं, टीचर आर्किटेक्ट ए बी शॉपकीपर। देखिए मैं स्टेटमेंट वाइज चल रहा हूं और आपको भी अपने एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज ही चलना है, आपको कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं करनी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिए गए होते हैं ये लाइनअप मैनर में होते हैं, लिंक होते हैं, आप बीच में लिंक छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस डायग्राम की कॉपी मैंने इधर कर ली है, इसकी कॉपी इधर कर ली है, क्यों की है उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा। आर्किटेक्ट से मुझे इंजीनियर और एच को जोड़ना है, आर्किटेक्ट से एक पर्सन छोड़ करके देखिए इंजीनियर इधर बन जाएगा और आर्किटेक्ट से एक पर्सन छोड़ के इंजीनियर इधर बन जाएगा और बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है, देखो बन रहा है बीच में, मतलब ये कंडीशन आर्किटेक्ट से इधर भी जोड़ी जा सकती थी उधर भी जोड़ी जा सकती थी। इस डायग्राम में देखिए आर्किटेक्ट से
उधर भी जोड़ी जा सकती है एच इंजीनियर, और इस कंडीशन को इधर भी जोड़ा जा सकता है एच इंजीनियर। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन के एक दो तीन चार सॉल्यूशन हो गए, चारों सॉल्यूशन फाइनल आंसर थोड़ी होने वाले हैं। अगली कंडीशन पढ़ते हैं, देखिए कुछ ना कुछ आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसकी वजह से दो डायग्राम तीन डायग्राम एलिमिनेट होने के बाद आपको एक फाइनल डायग्राम, लेकिन वो अगली ही कंडीशन में मिलेगा या दो कंडीशन के बाद मिलेगा ये हमें मालूम नहीं होता है, बस हमें तरीके से चलना होता है, एक्चुअल अप्रोच में चलना होता है। नेक्स्ट कंडीशन इज इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। ये जो इंजीनियर बैठा है ये क्लर्क के कभी थर्ड राइट में बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए आप यहां देख रहे हैं कि टीचर के थर्ड राइट में चला गया है, यहां पे भी ये जो इंजीनियर बैठा है ये टीचर के थर्ड राइट में चला गया है, लेकिन ये जो इंजीनियर बैठा है ये क्लर्क के थर्ड राइट में आप बना सकते हैं। क्लर्क अगर आप यहां बना लें तो उसके थर्ड राइट में राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज, इस डायग्राम में भी बना पा रहे हैं। कंडीशन क्या है, क्लर्क जहां पे बनाओगे देखिए इधर की तरफ तो उसका लेफ्ट होगा, इधर उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में इंजीनियर होना चाहिए, क्लर्क बना के उसके थर्ड राइट में इंजीनियर होना चाहिए। इंजीनियर तो मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन मुझे क्लर्क कैसी पोजीशन पर रखना, अगर सपोज मैंने क्लर्क यहां पर रखा उसके सेकंड राइट में इंजीनियर बनेगा, यहां रखूंगा तो इमीडिएट लेफ्ट में बनेगा, यहां रखूंगा तो थर्ड लेफ्ट में बनेगा, ये थर्ड राइट नहीं है। इट मीन्स ये डायग्राम में मेरी कंडीशन नहीं बन पा रही है, इस डायग्राम में मेरी कंडीशन नहीं बन पा रही है, तो ये दोनों डायग्राम आप एलिमिनेट कर देते हैं, वापस आप दो पे आ गए। तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, एक से शुरुआत होती है, एक से दो तीन चार आपके केस जाते हैं, फिर वापस तीन दो एक फाइनल अपने आप अपने अपना डायग्राम हमें मिल जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर। यहां हु यूज किया जा रहा है जी के लिए, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, ना तो मेरे पास डी है ना जी है, लेकिन मेरे पास क्या है टीचर है। देखिए टीचर है, इसका पड़ोसी आपका जी नहीं हो सकता, तो आप इन दोनों पोजीशन पे जी को नहीं बना रहे हैं। जहां एच बैठा है बी बैठा है ए बैठा है वहां तो वैसे भी नहीं जी को बनाएंगे, तो जी बनाने के लिए हमारे पास एक दो तीन जगह है, लेकिन खाली जी नहीं बनाना है, उसके सेकंड लेफ्ट में डी भी बनाना है। अगर जी यहां पे बनाया तो क्या सेकंड लेफ्ट डी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। जी के सेकंड लेफ्ट में डी नहीं बन पाएगा, जी के सेकंड लेफ्ट में डी नहीं बन पाएगा। दोस्तों देखिए समझिए कि कहां हम कंडीशन इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कहां नहीं, ये आपको कॉन्शियसली करना होता है। ये कंडीशन इस डायग्राम में बन नहीं पा रही, टीचर हमारे पास है इसका पड़ोसी जी नहीं है, इन दो पोजीशन पे ये दो पड़ोसी हैं टीचर के, इन दो पोजीशन पे मैं जी नहीं बना सकता। जहां बी बनाया है एच बनाया वहां तो वैसे नहीं बनाऊंगा जी। एक दो तीन चार पांच पोजीशन के आंसर, एक दो तीन, ये तीन पोजीशन बची हैं, तो यहां पे मैं जी बना सकता हूं, और जी नहीं बनाना है, जी के सेकंड लेफ्ट में डी भी बनाना है। सपोज मैंने यहां जी बना लिया तो क्या उसके सेकंड लेफ्ट में डी बनेगा, नहीं बनेगा। जी बना लीजिए सेकंड लेफ्ट में डी बन जाएगा, जी बना लीजिए सेकंड लेफ्ट में डी नहीं बन पाएगा। दोस्तों जी यहां नहीं बना सकते क्योंकि ये जी बनाऊंगा सेकंड लेफ्ट में डी नहीं बन पाएगा। टीचर के पड़ोस में जी बनाना मना है, यहाँ एच बैठा है ये टीचर का पड़ोसी है, जी बनाना मना है, यहाँ बी बैठा है यहाँ जी बनाता हूँ सेकंड लेफ्ट में। पूरे डायग्राम में सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रही है जहां जी बना करके उसके सेकंड लेफ्ट में डी बनाया जा सकता है, और कोई हमें पोजीशन दिखाई भी नहीं दे रही, और इस डायग्राम में तो बनी नहीं पाई कंडीशन, तो दैट मीन्स ये डायग्राम आपका कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड इधर ए बिजनेसमैन नो रेड डॉक्टर। पूरी कंडीशन अगर आपको समझ में आ रही है तो वो कह रहा है ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, दैट मीन्स मैं यहां नहीं बनाऊंगा, और यहां नहीं बनेगा तो फिर कंफर्म यहीं पे बनेगा। एंड इज नीदर ए बिजनेसमैन नोर ए डॉक्टर का मतलब ये हुआ कि वो ना तो बिजनेसमैन है ना ही डॉक्टर है। क्लर्क आर्किटेक्ट टीचर इंजीनियर शॉपकीपर, देखिए यहां पे क्लर्क शॉपकीपर इंजीनियर टीचर आर्किटेक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, बिजनेसमैन और क्या बताया गया है डॉक्टर, उसे हम नहीं बना सकते, तो बचा है हमारे पास सिर्फ बैंकर जो हम इसे दे सकते हैं। आठ प्रोफेशन आपके पास ऊपर है, आठों में से सात कैंसिल हो गए हैं, पांच ये और दो उसने जो कहा बिजनेसमैन और डॉक्टर आप नहीं बना सकते, तो उस बिहाफ पे मैंने देखा सात प्रोफेशन में से एक सात प्रोफेशन कैंसिल होने के बाद एक ही बचता है बैंकर जो मैं बना सकता हूं। फाइनली इज द लास्ट कंडीशन ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिटवीन एफ एंड बिजनेसमैन, एफ और बिजनेसमैन के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। अब ना तो एफ है ना बिजनेसमैन है, तो यहां पे इस सिचुएशन में चाहे तो आप एफ बना करके देखो चाहे बिजनेसमैन बना करके देखो, आपको कंडीशन बनानी है। अगर मैंने बिजनेसमैन को यहां पे बनाया, बिजनेसमैन बनाने के दो जगह है क्योंकि क्लर्क बैंकर शॉपकीपर इंजीनियर टीचर आर्किटेक्ट बन चुका है, अगर मैंने बिजनेसमैन को यहां पे बनाया तो उससे एक पर्सन छोड़ के एफ यहां भी नहीं बन पाएगा, यहां भी नहीं बन पाएगा, तो कंफर्म हो गया कि बिजनेसमैन, तो फिर आप यहीं पे बनाओगे। देखो हर पॉइंट क्लू आपको दिया गया होगा, नॉट टू वरी कि क्वेश्चन में आपको चीजें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, बस आपको तरीके से चलना है, अप्रोच समझिए। बिजनेसमैन बन गया तो एक पर्सन छोड़ के एफ उधर उधर तो नहीं बन पा रहा है, इधर बन जाएगा, बचो प्लेस पे बचो हुआ मेंबर सी आ गया, और बचो प्लेस पे बचो हुआ प्रोफेशन डॉक्टर आ गया, और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। डॉक्टर के थर्ड राइट में कौन बैठा है, डॉक्टर बना हुआ, थर्ड राइट में ई बैठा है, या तो ऑप्शन में ई दे रखा होगा या लिखा होगा बैंकर। अब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। थैंक यू सो मच। बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको